हम लोग अभी अभी वंदे भारत एक्सप्रेस से, ये देखिए बगल में लगी हुई है वंदे भारत एक्सप्रेस, और इससे हम लोग उतरे हैं और चंडीगढ़ पहुंचे हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे बुक किया रिटायरिंग रूम, तो रिटायरिंग रूम बुक किया। चलिए देखते हैं यहाँ का रिटायरिंग रूम कैसा है, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। मैंने तो ऑनलाइन बुक कर लिया, सिर्फ 400 रुपये मिला, सिर्फ 400 रुपये में। अब जाके देखेंगे कैसा है, वो रहने लायक है या नहीं है, या एवरेज है। देखते हैं, और ये अच्छा रहता है, स्टेशन पे ही होता है तो ज्यादा अच्छा होता है, अगर वो साफ सुथरा बढ़िया हो तो। ये वेटिंग रूम है, और ये प्लेटफॉर्म 1 के बिल्कुल लास्ट में मुझे दिख रहा है विश्रामालय कक्ष 2, विश्रामालय कक्ष 3 ये। और ये देखिए हम लोग बिल्कुल एंड पे आ गए हैं चंडीगढ़ के, मतलब प्लेटफॉर्म 1 के। लेकिन चाबी कहाँ से मिलेगा? ये विश्रामालय रिटायरिंग रूम 24 घंटे के लिए 700, 24 घंटे के लिए 700, 12 घंटे के लिए 400। और कृपया कक्ष नंबर 6 पे कर्मचारी संपर्क करें, कक्ष नंबर कॉन्टेक्ट द स्टाफ ऑन ड्यूटी रूम नंबर 6। नंबर 6 कहाँ है कैसे पता चलेगा? ट्रेन जा रही, ट्रेन को बाय बाय करो। रूम नंबर 6 कहाँ पे? रूम नंबर 2 पीछे, रूम नंबर 6 ट्रेन चली गई, बाय बाय। हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं रूम नंबर 6, वहाँ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, फिर हमें चाबी मिलेगी। चाबी बुकिंग तो हमने ऑनलाइन किया हुआ है आईआरसीटीसी की वेबसाइट से, तो पहले जाके ले हमारा अपन रूम नंबर 6, कक्ष नंबर 6 में जाना है। नंबरिंग दिया 18, ये रूम नंबर दिए हुए हैं, ये 17, तो 6 तो हम सबसे लास्ट जाना पड़ेगा। हमें इधर सबसे 6 उधर, हम लोग रिटायरिंग रूम खोजते आ गए ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूम नंबर 6 में जाए, यहाँ पे देखिए 15, ये बिल्कुल लास्ट में होगा। चलते रहे कोई दिक्कत नहीं, टाइम ही टाइम है अपने पास। ये चाबी मिल गया हमें रूम नंबर 3 का, देखिए कितना भव्य चाबी है ये। चाबी देख के पता चल रहा है कि रूम कितना भव्य होगा। तो वहाँ पे हमें ऑनलाइन अपना जो बुकिंग पर्ची था वो प्रिंट आउट लेके आए थे हम लोग, अपने मोबाइल से भी काम चल सकता है, लेकिन हम लोग प्रिंट आउट लेके आए थे, वो दिखा दिया उन्होंने, डिटेल लिया और ये हमें की दे दिया रूम नंबर 6 में। अब हम की लेके जा रहे हैं रूम में, देखते हैं रूम कैसा है, रहने लायक है या नहीं है। बहुत से स्टेशन पर अच्छे भी होते हैं, बहुत स्टेशन पर अच्छे नहीं होते हैं, तो देखते हैं यहाँ का क्या हाल है, क्या सिचुएशन है। 3 नंबर, ये 2 तो है, 2 और 3 दो ही है ही। 29 ये क्या लिखा हुआ है? 29। चलो हाँ 3 नंबर ये, इसको खोलो। वाओ खुलने वाला है, खुल जा सिम उल्टा। वाओ क्या नया नया है, अभी नया नहीं लगता है, रूम बनाया है। हाँ ये बेड लगा हुआ है, अच्छा लाइट वाइट वहीं पे। तो ये है रूम एक्चुअली, एक्चुअली पता नहीं गवर्नमेंट की चीजों को मेंटेन क्यों नहीं करता। ये देखिए ये हालत देखिए, ये कोई सफाई नहीं है, जिसने भी थूका होगा मस्त उसको शौक से थूका हुआ, मॉडर्न आर्ट करते हुए तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आई होगी। और ये बेड देखिए, कलरफुल बेड है, और ये है ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट वो मैं तो यहाँ सो नहीं सकता, सॉरी, बट ठीक है, ऐसा नहीं है कि खराब कहेंगे। 400 रुपये में आपको क्या चाहिए? ये रूम के साथ इधर देखिए, ये चेंजिंग रूम भी है। ओह वाओ, इसी को अगर वेल मेंटेन कर दिया जाए तो कितना बढ़िया होगा। ये पिलो भी दिया हुआ अंदर, ये देखिए आप मिरर, और ये टॉयलेट, इसका भी लाइट्स ऑन करो। वाओ साइज देखो टॉयलेट का, इसमें बाथ टब लग जाए। ये यहाँ पे गीजर भी दिया हुआ है, एग्जॉस्ट भी दिया हुआ है। हाँ ठीक है, टॉयलेट साफ है, मतलब जिस हिसाब से है साफ है। हाँ ये भी ठीक है, मतलब यूज कर सकते हैं। बस ये एसी रूम है,
तो अभी तो एसी की जरूरत है क्योंकि ठंड का मौसम है, ये एसी भी लगा हुआ है यहाँ पे और ये चलता भी होगा। हम अभी ऐसा है कि हम एसी चला नहीं सकते हैं और यहाँ पे देखिए कर्टन सीधा आपको प्लेटफॉर्म एक पे जो भी ट्रेन आती जाती रहेगी वो दिखाई देगी, लेकिन इस कर्टन को हम लोग बंद करके रखते हैं क्योंकि ग्राउंड फ्लोर जो भी आएंगे जाएंगे वो झांकेंगे। तो हम लोग इस पे अभी बैठे, थोड़ा गद्दे बैठो, गद्दा है क्या? ठीक है, मतलब 400 रुपए में ठीक है, बस थोड़ा सा और सफाई होना चाहिए। सफाई जैसे रोलर साफ जैसे ये जो जो लोग थूकते हैं सबसे पहले उसको तो फाइन करना चाहिए। प्लीज आप लोग कोई भी है जो भी थूकने ये थूकने का काम ना करें, कोई भी रहते हो प्लीज, अगर आप खाते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पैसे, आप गुटखा खा रहे हैं तो बाहर थूक सके, इधर उधर मत थूका कीजिए प्लीज। अब पता नहीं जो जो लोग रूम चेकआउट करने समय ना इनको चेक करना चाहिए, एक्चुअली कोई होता नहीं ना देखने वाला, देख करके जो लोग ऐसे थूके ना सीधा फाइन करना चाहिए, उन्हीं से सफाई करवाना चाहिए। और एक चीज है ये व्हाइट होना चाहिए, हाँ तो गंदगी पता चलती है, ये कलरफुल है तो हमें पता नहीं चल रहा है कि ये साफ है गंदा है, कितने लोगों ने इस पे सोए है। ब्लैंकेट में भी कम्बल होता है, ये कवर होना चाहिए, लेकिन 400 रुपए में क्या कह दूंगा, 400 रुपए में बहुत अच्छा, 400 रुपए में बहुत अच्छा। हाँ हम इसका कंपैरिजन एक अच्छे 1000 रुपए 1200 रुपए के होटल से कर रहे हैं और शायद उससे भी अच्छे से कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि रूम बहुत बड़ा है, रूम बहुत बड़ा है आपका, चेंजिंग रूम है, बाथरूम इतना बड़ा है, तो वर्थफुल है ये, बट थोड़ी सफाई होनी चाहिए। ठीक है तो चलिए अब हम लोग सामान रखते हैं और फिर कहीं निकलते हैं और चंडीगढ़ के प्लेटफॉर्म में है तो थोड़ा बाहर करना जा रहा तो बनता ही है, तो हम लोग थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर के थोड़ा बाहर निकल लिए हैं और रूम ठीक है, मतलब 400 रुपये ठीक है, बुरा नहीं बोल सकते हैं, पर थोड़ा हम कंपेरिजन बड़े होटल्स करते हैं तो नहीं हो पाता, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है अभी और यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, ये देखिए नाक ठंडे हो गए, इधर देखिए टिकट काउंटर है अब बिल्कुल सन्नाटा, मतलब अभी कोई ट्रेन नहीं है, चल रहा है इतना वहाँ पे लकड़ी वाली बहुत खाली खाली सा लग रहा है स्टेशन। अच्छा वो ये लकड़ी का प्रोडक्ट वगैरह है और जो कैंटीन भी है वहाँ पे, रॉक गार्डन का सैंपल यहाँ भी बना हुआ है, सैंपल है प्लेटफॉर्म पे ही सैंपल बना हुआ है, यहाँ पे आप रॉक गार्डन घूमने जा सकते हैं, इधर देख सकते हैं चंडीगढ़ का फ्रंट और ये रॉक गार्डन का सैंपल जो बना हुआ है और उधर भी बना हुआ है और वो सामने देखिए इंजन लगा हुआ है, ओ वाह कहीं नहीं जाना है हमें, टहल रहे हम लोग यहीं पे। हम लोग स्टेशन से निकल के आ गए सुकना लेक पर, यहाँ पे बैठ के थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ा देर आधा एक घंटा बैठ के फिर वापस हम लोग स्टेशन चले जाएंगे, कहीं धूप यहाँ पे अच्छी लग रही है, तो रूम में बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था और रूम भी ऐसा नहीं था कि बहुत बैठा जाए, लेटा जाए, हम लोग टहल के आ गए फिर जाएंगे, फिर थोड़ा देर आधा एक घंटा रेस्ट करके फिर आगे निकलेंगे और हम लोग घूम फिर के आ चुके हैं फिर से रेलवे स्टेशन, ये देखिए हमारे पीछे रेलवे स्टेशन, नहीं दिखा मुझे भी नहीं दिख रहा है, बस इसके स्टैंड दिख रहे हैं, ये पूरा स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है रेलवे स्टेशन के सामने, तो हम लोग अभी रेलवे स्टेशन पे एंटर करने वाले हैं, हमने पीछे ऑटो छोड़ दिया, ऑटो वाले अंदर नहीं जाते, बोलते हैं हमें पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा, तो हम लोग अब प्लेटफॉर्म जा रहे हैं, केवल सिटी बस स्टॉप प्राइवेट महानंद राणा से बना है और ये बिल्कुल नॉर्मल स्टेशन की तरह नहीं है, यहाँ पे स्टेशन के बाहर सिर्फ आपको टैक्सी स्टैंड या पार्किंग यही सब दिखाई देगी, अगर आप चाहें खाने पीने कुछ नहीं मिलेगा, जैसे नॉर्मल नॉर्मल बाजार होता है, यहाँ बिल्कुल खाली आपको मिलेगा, आपको जो भी खाना है स्टेशन के अंदर ही कैंटीन है उसी में खाइए पीजिए और बाहर जाइए फिर मार्केट में खाइए, लेकिन स्टेशन के सामने नहीं मिलेगा, जो स्टेशन के सामने भीड़ सोच के आए बहुत सारा भीड़ मिले बहुत सारी चीजें खाएं वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग आ गए अपने रूम में, आप यहाँ पे थोड़ा देर 5-10 मिनट हम लोग बैठेंगे उसके बाद फिर से निकल जाएंगे नेक्स्ट जर्नी के लिए, इस ब्लॉग को करते हैं पैंट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। 400 रुपये में रूम अच्छा था, अगर 400 रुपये आपको कंपेयर 15 करेंगे तो बिल्कुल नहीं सही होगा, स्टेशन पर है तो स्टेशन की फैसिलिटी सारी मिलेगी, बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो हमने बस रूम लिया था आप लोग को दिखा दिया रिटायर्ड रूम यहाँ पे, हम लोग भी यहाँ पे तो ज्यादा रुके नहीं, हम तो बाहर ही घूम रहे थे, घूम के वापस आ गए, तो बस सो करने के लिए हमने ये रूम
ले लिया था और थोड़ा हमें ब्रेक मिल गया, फ्रेश होने के लिए जगह मिल गया, बस ओके मिलते हैं, बाय बाय बाय।